होती है। जी ऐसा ही बोल रही है हर जगह। इन्होंने अपना दूसरा एक्सपीरियंस भी हमें ऑफ द कैमरा बताया है, भूषण कुमार के साथ जो इनका हुआ वो हम चाहते हैं आप कैमरे पर बताएं। सी भूषण कुमार के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, एक लेजेंड, मतलब उनके जो फादर थे उनको लोग पूजा, आज भी उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, राइट। एटलीस्ट मैं कहती हूँ साजिद ने तो एटलीस्ट मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, राइट। एक तरीके से उन्होंने अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की, और बहुत गलत तरीके से जो भी उन्होंने किया। बट भूषण तो उनके बाप निकले, भूषण ने तो एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। उन्होंने, मैं उनकी इनफैक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए एक म्यूजिक वीडियो के एल्बम में जो हनी सिंह कर रहे थे, और उसके लिए मेरी मीटिंग हुई थी। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे निकलना पड़ेगा, बट मुझे तुमसे मिलना था इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। तो कहीं ना कहीं वो उनकी चाल थी कि मुझे ऑफिस में बुलाना और ये दिखाना कि सी मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और कहीं ना कहीं लड़कियाँ कन्विंस हो जाती है यार कि शायद वो अच्छा ही इंसान होगा। तो उन्होंने मुझे ये बॉन बॉन है वहाँ पे, उन्होंने मुझे मिलने का टाइम उन्होंने दिया कि हम इतने बजे मिलते हैं। बोला ओके। मैंने बोला बट मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी कार में आ रहे हो या कैसे मिल रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। तो उन्होंने वो बोलते कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट होगी, ब्लैक, उसमें पूरा कांच ब्लैक होगा। तो मेरे लिए शॉकिंग थी, अरे भूषण कुमार की इतनी बुरी हालत है जो वो स्विफ्ट में घूम रहा है। बट वो मुझे पता नहीं था कि वो क्यों घूम रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता चले कि वो उसके अंदर भूषण कुमार बैठा होगा, उसके अंदर ऐसा लगे कोई नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है। और ब्लैक कांच, सोचो कि बॉम्बे में ब्लैक तो यूज करना इट्स नॉट अलाउड, बट ऐसे बड़े बड़े लोग, क्योंकि पैसे की इतनी इनके अंदर इतनी पावरफुल लोग हैं कि इनको ये भी डर नहीं होता कि काले कांच में हम घूमेंगे कैसे। एनीवेज फिर उन्होंने मुझे बोला कि पास में मिला कहाँ बैठेंगे आप, तो इससे छोटी सी कार में आए हो यार, तो आप मुझे मेरे साथ तो कोई कॉफी शॉप में बैठोगे ही नहीं। तो कहते हैं यू नो तुम्हें पता है मैं नामचीन आदमी हूँ, पावरफुल आदमी हूँ, मेरे ऊपर मीडिया बहुत घूमती रहती है, इनको तो मसाला चाहिए ऐसा वैसा। फिर फाइनली कहाँ मिले? फाइनली फिर उन्होंने मुझे अपने, उनका एक घर है जहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि ये ऑफिस भी है और घर भी है। तो कट टू मैं घर पे जाती हूँ तो देखा वहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ सोफा वोफा पूरा अच्छे से लगा हुआ है। सडनली ही जस्ट स्टार्टेड, लाइक उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने मतलब मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि कोई लड़की को मैंने काम के लिए बुलाया है, एटलीस्ट उसको कन्विंस तो करो। बट उन्होंने वो चीज़ भी नहीं की, मतलब सडनली एक सेकेंड में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की अपने, बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने, अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया और वो भी मेरे साथ सडनली एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, एकदम से ओपन कर दिया। आई फील कि ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग क्या सिर्फ एक औरत जो है, जो औरत जो इस दुनिया में फीमेल आती है, क्या इसी चीज़ के लिए बनी है कि लोग उसको सिर्फ यूज़ कर सकें? और जब चीज़ें हम अपनी सच्चाई लोगों को बताते तो लोगों को लगता है ये सब झूठ है। औरतें तो, ये लड़कियाँ तो उनका काम ही यही है कि किसी को एक्सपोज कर देना, बट कभी भी कोई देखो किसी को से एक्सपोज नहीं करता। और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलोगे प्रूफ, आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा, आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके घर के पास, उनकी जो बिल्डिंग है मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ, राइट। मतलब एक नामचीन इंसान पे आप ऐसे आरोप तो नहीं लगा सकते। तो भूषण कुमार के घर से फिर आप किस तरह से निकले? मैं बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट उनका आई डोंट नो मे बी उनकी वाइफ का फ़ोन आ गया था, क्योंकि और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगी कि जैसे मैंने उनका फ़ोन देखा, उनका जो बच्चा और उनकी वाइफ, उन दोनों की उन्होंने यू नो फ़ोन के ऊपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी। और ऐसी गंदी, ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार, अपनी वाइफ को, अपनी बीवियों को तुम कहते ना कि कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हो तुम, राइट। हमें तो तुम जो कर रहे हो कर, बट उनको भी तुम झांसा दे रहे हो, उनको भी अपनी ऐसी गंदगी चीज़ें करने में उनको भी शामिल करते हो। इनफैक्ट तो उनका फ़ोन आया सडनली, वो जैसे आगे निकले मैं सडनली बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोल के मैं फटाफट निकल के भाग गई, क्योंकि मेरा घर वहीं पर है, तो मैं एकदम से निकल गई। फिर उन्होंने मुझे फटाफट फ़ोन किया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों ऐसे चली गई, ऐसे क्या है, ये है वो है। मैंने सी मेरे को आप काम दो, मुझे नहीं करना म्यूजिक वीडियो, ठीक है। मैं ऐसी भी कोई फैमिली से नहीं हूँ कि जहाँ पे मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ, भगवान ने हाथ दिया है पैर दिया, मेहनत कर लूँगी, बट सो के काम नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। मुझे आर्ट बेचना हो ना तो मैं आर्ट बेचने से अच्छा है मुझे ये काम करता हूँ। मैं पॉर्न स्टार क्यों नहीं बन जाती हूँ यार, मैं पॉर्न स्टार का काम कर लूँ, वो ज़्यादा उसमें इज्जत है काम करने में। एटलीस्ट मैं लीगली काम तो कर सकती हूँ, लीगली लोगों के साथ सो तो सकती हूँ। मतलब एक साला काम देने के लिए तुम ऐसी हरकतें करती हो, लड़कियों का ऐसा मिसयूज़ करते हो। एक छोटे 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 शहर से लड़कियाँ आती है, चलो हम लोगों ने तो पूरी दुनिया देखी यार, हम लोग उसमें से
बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती जो नहीं निकल पाती, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ तो रेप होता है, जबरदस्ती उनके साथ किया जाता है। और ये लोग, ये राक्षस लोग, मैं कहती हूँ आज मैं, मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि इनकी खुद की बहनें हैं। आज साजिद की मैं फरा मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये चीज आपके साथ हो तो फिर कैसा लगेगा आपको, कि आप काम मांगने के लिए जाते हो और एक इंसान आपके साथ करे। आज मैं विद्या, उनकी जो वाइफ है भूषण की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी जगह पे जाए, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे रहे और आपके साथ ऐसा हो तो आपको फिर कैसा लगेगा। जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाला इनके साथ ऐसी चीजें तो करो कि इनको पता चले कि क्या दर्द होती है। जब तक किसी का उंगली नहीं काटोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है। तो बिल्कुल हम इनके दर्द को महसूस भी कर सकते हैं।